कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है, कुछ ऐसा ही कहना होगा आपका रूसी मोदी को लेकर इस वीडियो के बाद। आइए टाटा स्टील की इस इंटरेस्टिंग केस स्टडी को समझते हैं। 1978 वो वक्त था जब मिनिस्टर ऑफ स्टील थे बीजू पटनायक और प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। इस टाइम पे गवर्नमेंट की ओनरशिप टाटा स्टील में 45% तक थी और कंपनी की खुद की सिर्फ 5%। इसी बीच टाटा ग्रुप और बीजू पटनायक के बीच में थोड़े डिफरेंसेस चल रहे थे ऑन द रॉ मटेरियल टू बी यूज फॉर स्पंज आयरन प्लांट। इस कंपनी के चेयरमैन द रूसी मोदी आते हैं और बाजी मार जाते हैं। पर कैसे? रूसी मोदी फेमस थे फॉर बीइंग वेरी पेशेंट विद लेबर यूनियंस, थिंकिंग ऑफ देयर वेलफेयर एंड वाज बेसिकली लव्ड बाय देम। यही नहीं, उनके काफी पॉलिटिकल कनेक्शंस भी थे। तो अब समझ आ रहा है ना कैसे रूसी मोदी ने लेबर यूनियंस को मोटिवेट किया टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट गवर्नमेंट्स डिसीजन और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को भी पुश किया टू ड्रॉप इट्स नेशनलाइजेशन प्लान। और आज की डेट में तो आपको पता ही है कि टाटा स्टील ग्रुप की मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है। और रूसी मोदी के हीरोइज्म की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। 1991 में जब रतन टाटा ने जेआरडी टाटा को रिप्लेस किया था, तब रूसी मोदी को लेकर हेडलाइंस थी, इंडियाज बेस्ट मैन मैनेजर सैक्ड।